कुओं में पानी नहीं है, हैंडपंप ने जवाब दे दिया है। अब गांव वाले सूखने की कगार पर खड़े तालाब के गंदे पानी से ही अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के आकाश कोट की, जहां के आदिवासी गांव पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। जो हैंडपंप खनते हैं तो मान लो इसमें पानी नहीं निकलते हैं पानी, जहाँ तो मान लो वो फंसक जाता है। हमको यहाँ पानी की बहुत परेशानी, कई युग कई वर्ष हो गया लेकिन आज तक शासन हमको पानी को नहीं किया कुछ। विंध्य की पहाड़ी पर बसे लगभग 15,000 की आबादी वाले ये गांव हर साल पानी की किल्लत से जूझते हैं। प्रशासन की अनदेखी से नाराज यहां के ग्रामीणों ने अपनी समस्या का हल निकालने की जिम्मेदारी खुद उठा ली है। शासन नहीं सुन रहा है, तब खोद के बना रहे हैं भाई, अपनी मेहनत से पानी तो निकालना है। इस बीच प्रशासन भी नींद से जागा है और अधिकारियों ने मौके पर जाकर हालात का जायजा भी लिया है। जिम्मेदार अधिकारी अब यहां पानी की समस्या के स्थायी समाधान की बातें कर रहे हैं। ये बात आप जो बता रहे हैं ये सही है, वो पहाड़ी के ऊपर एक गांव है तो भूजल के माध्यम से वाटर की सप्लाई करना संभव नहीं है, इसलिए सरफेस वाटर के माध्यम से उसको किया जा रहा है और ये परियोजना जब संचालित हो जाएगी तो वहां के लोगों को पेयजल की सुविधा, जो समस्या आ रही है वो सुविधा उनको उपलब्ध हो जाएगी। केंद्र से लेकर राज्य की पूर्ववर्ती सरकार ने यहां पानी का संकट दूर करने के तमाम वादे किए थे लेकिन सब कागजी साबित हुए। अब देखना होगा कि राज्य की नई सरकार इन गांवों में पीने का साफ पानी मुहैया करा पाती है या नहीं। मध्य प्रदेश के उमरिया से अरुण कुमार त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।